हे व्हाट्स अप गाइस, यार आप सभी का फिर से स्वागत है ब्रांड स्पोर्ट की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप थर्मल वेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या थर्मल वेयर किस तरीके के आते हैं इंडिया में जो कि आप अच्छे तरीके से यूज़ करो, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है गाइस और ठंड काफ़ी बढ़ते जा रहा है स्पेशली अपने बिहार में। तो गाइस इसी पर्पज़ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, और इस टॉपिक में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से ब्रांड ऐसे हैं जो थर्मल वेल आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड कर देते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। इंडिया में ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड के थर्मल आते हैं, बट हम लोग कुछ ही थर्मल वेयर के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में सबसे अच्छे क्वालिटी के होते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग के साथ आपको थर्मल वेयर के बारे में भी बताएंगे। तो गाइस अपना जो ब्रांड होने वाला आप देख सकते हो जॉकी है अपने ब्रांड में। सो गाइस ये अपना आपको बताता हूँ जॉकी के बारे में। जॉकी में दो तरीके के आते हैं, एक इंटरनेशनल कलेक्शन आता है, एक नॉर्मल वाला आता है। नॉर्मल वाला है गाइस इसमें 50% कॉटन होता है और 50% उलेन होता है, और जो इंटरनेशनल कलेक्शन है गाइस इसमें मियावी फैब्रिक यूज होता है, मतलब लाइक्रा, आपको थेट में अगर समझाया जाए तो लाइक्रा इसको बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो दो चीज इसमें यूज होता है, और गाइस कॉटन वाली जो होती है उसमें आपको 50% कॉटन होता है और 50% उलेन होता है, जो कि आप डेली यूज पर्पस के लिए आपके लिए बेस्ट चीज़ है। मतलब आप नॉर्मल में घर वगैरह पे डेली टू यूज़ कर रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, उसके लिए वो परफेक्ट है। और जो इंटरनेशनल कलेक्शन वाला होता है गाइज उसका एक अलग काम है। इंटरनेशनल कलेक्शन वाला को आप जैसे बाइक राइड कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेट करता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म करता है, तो उसके लिए ये अच्छा है। और गाइज एक अपना ब्रांड होने वाला है मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो गाइस इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, और मोंटी कार्लो से अच्छा अभी तक कोई ब्रांड नहीं आया है। जॉकी वगैरह तो अपने इंडिया के ब्रांड नहीं है, तो गाइस मोंटी कार्लो जो है अपना इंडियन ब्रांड है, और इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और इंडिया में काफ़ी फेमस ब्रांड है ये। सो गाइस कुल मिलाकर अगर आप मानो तो इनर वेयर जॉकी और मोंटी कार्लो दोनों की ही अच्छी होती है। मोंटी कार्लो में भी दो तरीका का आता है, एक प्योर उलेन आता है और एक ये कॉटन वाला आता है। तो गाइस प्योर उलेन वाला अभी हमारे पास नहीं है, प्योर उलेन वाला खत्म हो चुका है, और नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला भी मोंटी कार्लो का काफ़ी अच्छा होता है। एक्चुअली गाइस मोंटी कार्लो का जो होता है इनरवेयर, ये थोड़ा सा जॉकी से मोटा इसका फैब्रिक होता है और जॉकी का थोड़ा पतला होता है, तो मोटा है तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेगा ऐसा लगता है हम लोगों को, लेकिन जॉकी का भी कम नहीं होता है इससे। तो गाइस ये तो इन सब के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लिया, अब मैं आप सबको इन सबको क्वालिटी दिखाता हूँ और आपको इसकी MRP सबको बताता हूँ कितना कितना MRP में ये आता है। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे MRP की ओर। सो गाइस जॉकी और मोंटी कार्लो के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसके बारे में मैंने एक चीज़ नहीं बताया, मतलब सॉरी बता तो दिया सारा चीज़ें, बट मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको नहीं दिखाया, तो अनबॉक्सिंग करके भी दिखा देता हूँ, ऐसा ना लगे कि आपको लगे अनबॉक्सिंग का वीडियो अनबॉक्सिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइस जॉकी का कुछ इस तरीके से ब्रांडिंग किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है जॉकी का वेस्ट वगैरह, और इसका जो कोड है 2401 ये भी आपको इंक्लूड है, यहाँ पे स्टे वॉर्म भी इंक्लूड है। और गाइज यहाँ पर से आपको दिख जाता है कि जॉकी कौन कौन से साइज़ में आता है। सो गाइज स्मॉल में आता है 80-85, 30-32 वे के लिए आपको आता है, मीडियम में आता है 90-95, 36 और 38, एल में आता है 100 और 105, और XL में आता है 110-115 के साथ। तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये आता है, और सारे साइज़ में ये अवेलेबल हो जाता है गाइज। अब मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो बॉक्स पैकेजिंग को कुछ सिंपल टाइप से है, काफ़ी अच्छा बॉक्स का पैकेजिंग भी है, येल्लो और वाइट का टेक्सचर देकर। और तो गाइज निकालते हैं इसको, अनबॉक्स करते हैं, बहुत ही सिंपल है अनबॉक्स करना इसको। तो गाइज अनबॉक्सिंग करते के साथ ये इस टाइप से हो जाता है गाइज, इसमें साइज़ वगैरह सारा कुछ इंक्लूड है, ब्रांड भी इंक्लूड है, और एक पतला सा पीपी में आता है ये पैक होकर। और गाइज इसको जैसे ही हम लोग ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद ये प्योर ब्लैक आपको दिख रहा होगा, कुछ ब्लैक टाइप से आपको दिख जाता है, और इसकी जो भी फैब्रिक मटेरियल है वो भी आपको दिख जाएंगे। फैब्रिक की क्वालिटी हल्का सा उलेन और कॉटन का मिक्सचर आपको मिल जाएगा, इंटरलॉक वगैरह किया हुआ है इसमें। ये तो थी इसके, और ये गाइज थोड़ा कम स्ट्रेचबल होता है, ये ज़्यादा स्ट्रेचबल नहीं होता है। अब दिखाते हैं आपको जॉकी का इंटरनेशनल कलेक्शन है जिसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको करते हैं पहले साइड में, इंटरनेशनल कलेक्शन को लेकर आ जाते हैं। जस्ट लाइक उसी टाइप से है गाइस किया हुआ, इसमें भी ब्रांडिंग वगैरह, बस इसमें सिर्फ लिखा हुआ था जॉकी इंटरनेशनल कलेक्शन थर्मल वेयर। और ये गाइस सिर्फ ब्लैक कलर में ही आता है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसे ही। बस MRP इसका मैं दिखा देता हूँ, 1049 का MRP है इसका, और इसके साइज़ वगैरह सारा कुछ वैसे ही है, 9-20 का पैकेजिंग है ये। और गाइस इसके अनबॉक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आता है,
और ये भी ब्लैक ही कलर है गाइस, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है, बट इसमें एक चीज़ आपको समझ में आएगा जैसे ही आप इसको देखोगे। इसमें फैब्रिक के पूरे माइक्रो बूस्टर्स जो यूज़ किए हुए हैं, इसमें मियाबी माइक्रो बूस्टर, वो आपको साफ साफ इसमें नज़र आने वाला है। और ये पूरा स्ट्रेचबल होता है गाइस, और काफ़ी पतला होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेट भी करता है ये गाइस। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, जॉकी की इंटरनेशनल कलेक्शन वाले की। थोड़ा सा MRP हाई है, लेकिन आप इसे ले सकते हो। ज़्यादातर लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा है गाइस ये। तो ये तो जॉकी के बारे में मैंने बता दिया, अब बात करते हैं हम लोग मोंटी कार्लो के बारे में। ये गाइस अपना मोंटी कार्लो का थर्मल वेयर है, इसमें भी 50% कॉटन और 50% उलेन का मिक्सचर होता है गाइस। और इसका MRP जो है थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा कम में आता है 645 का, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है भाई, तो इंडियन ब्रांड का बात कुछ और होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आता है, और इसकी बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर पतला सा टेप यूज़ किया हुआ है जिससे ये ओपन होगा। काफ़ी लंबे तरीके से पैकिंग इसको किए हुए है यार। तो इसकी पैकेजिंग खुल गई है गाइस, और पैकेजिंग खुलने के बाद इसका सबसे पहले पैकेजिंग जस्ट लाइक उसी टाइप से है, बट इसमें ब्रांडिंग सिर्फ मोंटी कार्लो का है और वो जॉकी का था, और कलर चेंज हो गया गाइस। ये कलर जो है ग्रे कलर है, इसको मेन ग्रे बोलते हैं। इसमें कॉटन और उलेन का मिक्सचर होता है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो। ये जो रिंकल्स है इसमें उलेन के मटेरियल यूज़ हुए हैं, बाकी जो भी आपको दिख रहा है ये आपको कॉटन वाली शीट आपको दिख जाती है। तो कुछ इस तरीके से है इसका थर्मल वेयर, आप देख सकते हो। बढ़िया है, इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी सॉफ्ट होता है मोंटी कार्लो का फैब्रिक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पकड़ने में मज़ा आएगा, पहनने में भी मज़ा आएगा गाइस। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यार और लाइक करना ना भूलें।